कल आखिरी क्लास में व्याप्य व्यापक भाव उसका पूरा सत्व कैसे घटित होता है ये समझने की कोशिश की थी। ये ख्याल में आया कि आत्मा अपने में कभी भी विकार उत्पन्न कर सकते ही, क्योंकि आत्मा के अंदर में ज्ञान और आनंद है, लेकिन अपने को ज्ञानमयी नहीं मानने के अपराध में ये बदलता है। पॉइंट समझ में आया? क्यों बदलता है? अपने आप को ज्ञानमयी नहीं मानता, ज्ञानमयी नहीं मानता है तो जो संयोग रूप से आने वाले कर्म हैं वो भाव का रूप परिणमित हो जाते हैं। क्या बोला? जो उदय रूप से आने वाले कर्म थे वो उदय रूप से आने वाले कर्म भाव का रूप में परिणमित हो जाते हैं। अगर ज्ञानमयी मानता तो निर्जरा हो जाता, और निर्जरा हो जाती तो नवीन बंध का भाव हो जाता। आत्मा जितना जाने ओहो उतना निर्मलता के साथ में ज्ञान मात्र में जमा रहे तो समस्त कर्मों का निरोध। मुझे बीच में एक बात याद आ रही, कल हमारे दिव्य भास्कर जिनके आता होगा ना तो एक कॉलम आता है, शायद आता है थिंकर्स ऐसे करके आता है, उसमें कई कोई पॉपुलर थिंकर के थॉट्स आते हैं। कल उसमें वर्न का कि बायरन का कोई पॉपुलर यूएस वाले यूके का कोई है, बहुत महान लेखक, उसके थॉट आए थे कल की बात है, रविवार को याद था कल ही आया बराबर। तो उसमें एक बड़ी गजब बात बोली जो अपने इस बात से बड़ी विरोधी है। बोला कि दुनिया में जो जितना जान रहा है वो उतना दुखी, ज्ञान ही दुख है। आप देखना शायद बताऊंगा, ऐसे खुरापाती विचार भी, ज्ञान ही दुख है, जो जितना जानता है वो उतना दुखी। सही है बात? क्यों? समस्या उसकी ये है कि उसने ज्ञान और राग आदि को एक में एक मान लिया, और वो मतलब 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विचारक में से माना जाता है बराबर। यूके का विचारक है, अपने आगे पेपर में अगर उसके विचार आ रहे हैं 100-150 साल पुराना है तो मतलब एक बहुत नामा माना हुआ व्यक्ति होगा, ये मान सकते, एक बहुत सारे लोगों को उसने प्रभावित भी किया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे उसके अंदर में भी ये मूलभूत भूल पड़ी रहती, उसे यही लगा बात उसकी, एक अंदर देख एक एंगल से देखा जाए कि जानने पर दुख होता है, कब? जब आप ज्ञान को और मोह राग द्वेष को अलग अलग ना मानो तब। और ये तो हम भी कह रहे हैं आजकल की भी, आप जितना ज़्यादा जान रहे हो YouTube से, मोबाइल से, Facebook से, WhatsApp स्टेटस से, ये कोई सुख नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा सुख? क्योंकि आप जान तो रहे हो लेकिन पचाने की ताकत तो है नहीं, जानकर जानते रहने का सत्व तो है नहीं, जानकर राग द्वेष करने की तुरंत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो जैसे जिनके जैसे मुझे पता हो तो इनका सत्व तो बहुत कम, अब वो पूछते हैं बताओ क्या कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे, ऐसी बात है। तो मैं यहाँ वहाँ बातें करता हूँ, इनकी ताकत नहीं है जान के रहते, क्यों अपन उनको दुखी करें? लेकिन वो खोद के पूछते हैं, अब अपने को धर्म संकट में डाल दे, क्या तो झूठ बोलो क्या इन्हें भिखारी करो, जब तक बताओ नहीं तब तक माने नहीं बराबर, और बता दो तो फिर आई है तो गई कम आया कि नहीं आया? तो अच्छा है अगर आपके ज्ञान की गोडाउन बड़ी नहीं है, पचाने की ताकत, ज्ञान की होजड़ी, गोडाउन तो ठीक ठाक है, ज्ञान की होजड़ी होनी चाहिए
जिसे कहते हैं ज्ञान को संग्रह करने से पहले ज्ञान की होजड़ी बराबर कर लेना, कि जो ज्ञान जानते रह सके, ज्ञान बचा सके, वो जानना आपका सुखदायी हो जाएगा, लेकिन जानकर पचा ना सको तो दुखी हो। और वो उस बात को पॉइंट आउट करके उसने बोला कि ज्ञान ही दुख है, जितना जानता उतना दुखी होता। हम कहते हैं भेद ज्ञान का अभाव दुख है, आप समझ लो ज्ञान ही दुख है, नहीं है क्या दुख है? भेद ज्ञान का अभाव दुख है, जो जितना भेद ज्ञानी उतना सुखी, और जो जितना भेद अज्ञानी, अब वो चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, वो उतना दुखी। इतना समझ लो क्या बोला, क्या बोला, क्या क्या दुख है? भेद ज्ञान का अभाव ही दुख है, जितना जो भेद ज्ञानी उतना सुखी। सरल भाषा में आत्मिक सुख की बात तो बात की बात आएगी, सामान्य राग आदि से, शरीर आदि से, पर से, जो अपने आप को भिन्न जान सके थोड़ा बहुत भी, वो भी सुखी है। जो जितना भेद ज्ञानी वो उतना सुखी, और जो जितना भेद अज्ञानी वो उतना दुखी। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो जगत में सो कॉल्ड ज्ञानी कहलाता है कि सो कॉल्ड अज्ञान, ऐसा नहीं कि जानने वाले ही दुखी है, नहीं जानने वाले ही बहुत दुखी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्यों दुखी। कई बार तुम्हें कई लोग, भाई क्यों दिमाग घुमा रहे हो इतना, क्या हो रहा है पता नहीं लेकिन बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब कारण भी पता नहीं, कारण भी पता नहीं है। बच्चों को देखो, बड़ों को देखो, अज्ञानी को देखो, अवगण को देखो, ऐसा नहीं कि सब जानने वाले ही दुखी हो रहे हैं, नहीं जानने वाले बहुत कुंठा से दुखी रहते हैं अंदर, अकारण क्रोध, अकारण द्वेष, अकारण लोभ, अकारण वासना, उतनी दुखी है मुझे। तो ज्ञान का इसमें कोई लेना देना है नहीं, बराबर। भेद ज्ञान की कमी, किसकी कमी? भेद ज्ञान की कमी वही जीव को दुखी करती है, और भेद ज्ञान की जिसे कहे ना प्रागट्य, वही जीव को, इसलिए बारंबार आपसे कह रहा हूं ये ज्ञान के पीछे मत दौड़ो। इस दुनिया भर का ज्ञान कचरा आपके डिब्बे के द्वारा आपके पास आ रहा है। पहले एक बुद्धू बक्सा था, टीवी बोलते थे जैसे, बराबर। अब वो बुद्धू तो स्मार्ट बन गया, और उससे बड़ा बुद्धू वो आपके हाथ में 24 घंटे साथ में चलने लगा, हाथ में, साथ में, बात बात में, सब जगह वो क्या है, आपको ज्ञान पे रास्ता जा रहा है। ज्ञान है कि ज्ञान आप निर्णय कर लो, हाँ। और आप उसके द्वारा रेगुलर देखकर, जानकर, देखकर, जानकर दुखी होते जा रहे हो। वो वहाँ गया, वो यहाँ गया, वो ये किया, वो किया। आज देखो ना, सबके मोबाइल का संगार हो जाएगा स्टेटस से। क्यों? कल संडे था, सब अपनी अपनी उपलब्धियाँ बताएंगे, हैं, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, हैं, ऑफिस में चर्चाएं होंगी, सोसाइटी में चर्चाएं होंगी, कहीं खाने के बखान चलेंगे, बराबर, कहीं कहीं पिक्चर के बहुमान चलेंगे, कहीं ये होगा, कहीं सब का स्टेटस भरा होगा। समझ में आया कि नहीं? कांकरिया में ये जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं ना, सोमवार के बाद, सोमवार को सबकी रजा होती है। क्यों? सब कचरा साफ करते हैं। गहन संशोधनों से पता चला वो सारा कचरा सोमवार के स्टेटस में जाता है। है? समझ में आया कि नहीं यार? बड़ी गहरी रिसर्च की इसके लिए, और उससे पता चला कि वो इसलिए बंद है, उसकी सारी डंपिंग जो हो रही है वो किस पे हो रही है, वो आपके सोमवार के स्टेटस पे हो रही है। तो वहां का कचरा यहाँ आ रहा है, ऑनलाइन कचरा,
जब भी ये बात करता हूँ सुमती भाई के चेहरे बहुत अच्छी स्माइल आती है उनको भी वो अंदर में विचार कर रहे हैं, अच्छा है हम बचे, अच्छा है हम बचे, है ना। हाँ समझ में आया, इसीलिए कह रहा हूँ कि ज्ञान 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 है ही नहीं वो जो ज्ञान तुम कह रहे हो। ज्ञान वही है जो वेद ज्ञानमयी हो, ज्ञान वही है जो आत्मज्ञानमयी हो, ज्ञान वही है जो अंदर में कसायों को शांत करे, वितराग भाव को प्रबल करे, मुक्ति का रसिक बनाए आपको, वो ज्ञान है। बाकी सब तो समझ में आया कि ख्याल में आया ना, विचार ना जरा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वो एक बाजू सारा जगत ज्ञान को दोष दे देता है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे अंदर में पड़ा हुआ भेद ज्ञान का अभाव जो कि मोह परिणाम के कारण हो रहा है उस पर दृष्टि नहीं करता। और वेद ज्ञान की सिद्धि के लिए अमृत चंद्र आचार्य ने कहाँ तक प्रयास किया कि कर्मों का व्याप्य व्यापक पना, जीव के विकारों का व्याप्य व्यापक पना किससे जोड़ दिया, कर्म। कि जीव में कहीं से भी किसी भी प्रकार से राग आदि उत्पन्न करने की ताकत है ही नहीं। हाँ, इस हद तक अपनी निर्मलता का क्या कहें गौरव उन्हें था, इसीलिए वो कहते वो विकार वो सब कर्म का है, मेरा कुछ नहीं। आए तो मेरा कुछ नहीं और जाए तो समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं आया। आए तो मेरा कुछ नहीं और जाए तो मेरा, ऐसा यहाँ बोला है। देखो इसीलिए कहते हैं कितना सुंदर लिखा है, मतलब व्यापी व्यापक संबंध, मतलब आप लोगों को समझना भारी पड़ता है कि भाई ये पर्याय तो जीव की है तो व्यापकपना फिर कर्म को क्यों बोला, पर्याय तो जीव की है व्यापकपना कर्म को क्यों बोला। बराबर, उसका सीधा कारण जीव की है लेकिन जीव से नहीं। क्या बोला, जीव की है जीव से नहीं है, जीव के लिए नहीं है। बस क्षेत्र साम्य है वह और कोई समानता। पॉइंट समझ आया कि नहीं, जीव के प्रदेश तो कुरुक्षेत्र वाले हैं, मतलब समझ में आया, कुरुवंश कहाँ था बोले कि यूपी में, पांडव कहाँ के राजा थे बोले कि विराट, वो जयपुर के वहाँ के देख रहे थे, और यहाँ देखो तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली के, यहाँ देखो कृष्ण कहाँ के थे द्वारका के, और सब लड़ने कहाँ पहुँच गए बेचारे, हरियाणा वाले कहते हमारा तो कोई लेना ही देना नहीं था, जबरदस्ती हमारे यहाँ झगड़ा करके चले गए। फैक्ट वस्तु है, लॉजिकल विचारो। पांडव कहाँ के भाई, उनका मूल राज था इंद्रप्रस्थ, घूमते घूमते अज्ञातवास में कहाँ पहुँचे विराट, अगर मामा के पक्ष से जाते तो द्वारका, ये सब एक यूपी है एक दिल्ली है एक गुजरात, द्वारका थी बराबर, और कौरव कहाँ के वो भी हस्तिनापुर के बराबर, बीच में हरियाणा का कोई लेना ही देना नहीं था, वो पूरा धमाल वहा हुआ। बता कितना बड़ा अन्याय कि नहीं आया। ऐसा है कि जीव स्वभाव से ज्ञाता, कर्म स्वभाव से जड़, बराबर, तो स्वभाव का और कर्म दोनों स्वभाव का कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको कोई अपनी करामात दिखाने के लिए वो जगह तो चाहिए ना, तो वो जगह है जीव के प्रदेश मात्र, बाकी उसका जीव का कोई लेना देना नहीं। ऐसा तो आत्मा के प्रदेश तो
ये कर्मों की महाभारत का कुरुक्षेत्र मात्र है, जुड़े हुए नहीं है। समझ में आया? कुरुक्षेत्र बालों का उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। आई कि नहीं दृष्टांत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुरुक्षेत्र बालों का उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही आत्मा के स्वभाव का उसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो महाभारत चल रही है संसार की, उसके लिए कोई जगह तो चाहिए। वो तो जगह मात्र है, ये क्या है? जगह मात्र। बाकी उसमें जीवत्व का जुड़ान नहीं। समझ में आया कि नहीं है? अब आप उसको दो रूप में देखो। किस दो रूप में? कि महाभारत भी वहीं पे हुई और गीता का उपदेश भी वहीं हुआ, लेकिन तो भी इस जीव का, अब दो दो बातें आ गई ना, कौन सी? अशोक भाई, महाभारत भी वहीं हुई और कुरुक्षेत्र वाले ऐसे माता ही पीठ से बताओ हमाया लड़ गए, और ऐसे गर्भ छाती भी तान सकते कि हमाया क्या हुआ, गीता का ज्ञान हुआ। ऐसे ही उस क्षेत्र में भी दो अवस्था हो रही, आश्रव बंध रूप महाभारत भी हो रही और संवाद निजरा की गीता भी वहां सुनाई जा रही, लेकिन भगवान आत्मा। अब बोलो, कुरुक्षेत्र वालों का क्या? कुछ नहीं, क्षेत्र मात्र। बात समझ में आई कि नहीं है? यार भगवान आत्मा दोनों अवस्थाओं का क्या? अगर वो गीता का श्रेय लेने जाए तो झगड़ा भी माथे पड़े, दृष्टान समझना। अगर वो गीता का श्रेय लेने जाए तो झगड़ा भी माथे पड़े, और झगड़ा माथे नहीं चाहिए तो भिकारी पर्याय भी मेरी नहीं, और ये जो इनके अभाव रूप अभिकारी पर्याय हुई वो भी मेरी नहीं। ये तो क्षेत्र मात्र में हो रही है, स्वभाव मेरा वैसा। अरे बात है, लेट हो गए संजय भाई, नहीं समझ में आई होगी। सुनना ये बात है। तो काचर कह रहे कि भाई तुम क्षेत्र को देख रहे हो, कहाँ हो रहे, कहाँ हो रहे, कहाँ हो रहे, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र वालों का कुरुक्षेत्र में क्या था? कुछ नहीं था। ऐसे ही आत्मा का इस संसार के कुरुक्षेत्र में क्या है? बोले कुछ नहीं। व्याप्य कर्म, व्यापक कर्म, सब कर्म मैं तो वहां कहीं हुई नहीं। ख्याल में आया? हम देखिए देखो जरा विचारना। तेथी जो कर्म छे व्याप्य व्यापक अहियाँ थी, तेथी मड़ियो ना, तेथी छठी सातवीं लाइन छे 142। तेथी पुद्गल द्रव्य वड़े कर्ता थईने कर्म पणे करावामां आवतू जे समस्त कर्म नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम तेने जे आत्मा। आ जो सुगिदु पुद्गल द्रव्य बड़े कौन करता आ परिणाम नो? पुद्गल द्रव्य करता थईने कर्म पणे करवामां आवतो, कि पुद्गल द्रव्य जे परिणाम ने प्राप्त करे, ये समस्त कर्म अने नो कर्म रूप पुद्गल परिणाम तेने जे आत्मा, एने जे आत्मा शू करे? जो पुद्गल परिणाम ने अने आत्मा ने घट अने कुंभारनी जेम सुगिदु पुद्गल पर कितना भिन्नता बताना चाह रहे, समझो। जो अपन ने शुरुआत की थी ना वेद ज्ञान की, पुद्गल परिणाम अने आत्मा ने कोनी जेम भिन्नता बतावी? घट अने कुमार। आपने शू मानिए छे? पुद्गल परिणाम अने आत्मा घट अने माटी, ए खोटू। खबर पड़ी? नहीं पड़ी, ध्यान थी सांभळशो तो खबर से। आज वस्तु तो बताओ तो अच्छी बात, रामायण थोड़ी संभळावतो तो ना महाभारत।
भाई आ कुरुक्षेत्र में आत्मा नो कई नहीं क्षेत्र मात्र छे एम कहूँ शू कीधु आ कुरुक्षेत्र में संसार ना कुरुक्षेत्र में आत्मा नो कई नहीं शू हम युद्ध थव तो कोई जगह तो जो है ना पर जगह होवाने लीधे बधुज ये जगह वाला नो थई जाए एम बात बेसी बराबर बेसी हवे आम कई जगह ना कया युद्ध ना कई बात नी बात चालती थी बोलो आ दृष्टांत थी आप आगे वधारी हाँ बराबर कर्म कर्मादि नो कारण बराबर ए जे परिणाम जीवना थई रहा छे ए बधानु सत्व क्यांथी आवे कर्म पासे अने आत्मा केवो छे एनाथी भिन्न तोय कोई जग्या तो होवी जोईए ना तो जग्या मात्र छे आ शू छे जग्या मात्र छे आत्माना प्रदेश शू छे एनी जग्या मात्र पण जेम के त्यां युद्ध थतो होय तो बधी रसद क्यांथी पहोंचे बड़ी युद्ध सामग्री क्या थी आवे कुरुक्षेत्र में अगर झगड़ा हुआ तो दो तीर कमान भाले आधुनिक काल में होता तो तोप गन मिसाइल टैंक खाने पीने की सामग्री सैनिक वो कहाँ से आते वो कुरुक्षेत्र वालों को देना है क्या कुरुक्षेत्र वाले के हम तो है ही नहीं क्षेत्र मात्र है हमारा तो महाभारत करो चाहे गीता पढ़ो हमें क्या लेना देना वो तो उस समय का राजा प्रबल नहीं था नहीं तो घुसने नहीं देता दोनों को हम यहाँ क्यों लड़ रहे हो अपना झगड़ा अपने यहाँ करो फैक्ट वस्तु है अब दोनों तरफ के सक्षम राजाओं आ गए तो बेचारा वो तो गरीब क्या करे लड़ लो और क्या सक्षम होता क्या नहीं हमारी भूमि हम दूसरे के युद्ध के लिए नहीं दे सकते ऐसे अगर हम सक्षम होते तो कर्म के तू तेरे एरिया में रहे और मुझे मेरी टेरिटरी में रहने दे खबरदार घुसने की कोशिश की अब हम कैसे बेचारे गरीब राजा हम मतलब अब क्या यही कहे ना आप मतलब वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ इसीलिए आगे लड़ जाते हैं अब ठीक है भैया जमीन तो थी लेकिन ना हमारे पास में तोपे हैं ना वो तुम्हारे लाने तो लड़ने की जो भी सामग्रियां लाई जा रही हैं वो सब जीव से नहीं आ रही वो सब कहां से आ रही हैं इसीलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आत्मा में और रागादि भावों में माटी और कुमार की भांति माटी और घड़े की भांति व्यापक व्यापपना नहीं है माटी और कुमार की भांति भिन्न बना माटी है व्यापक और घड़ा है व्याप्य तो माटी और घड़े में तो व्याप्य व्यापक पना है लेकिन घड़े और कुमार में व्याप्य व्यापक पना तो आत्मा और कर्म का जो बताया जा रहा है वो कैसा है घड़े और माटी की भांति है कि घड़े और कुमार की भांति केवल शब्दों में बैठ रहा है कि भावों में भी बैठ रहा है ये भावों में बैठना शब्दों में तो बोल जाओगे पोपट लेकिन अभी भी यही बात आता राग हो तो मेरे मेरा है ना हो तो मेरे मेरा है तो मेरा अरे तू कुरुक्षेत्र वाली सुंदर पर कोई जगह तो चाहिए ना तो संसार के सृजन की घटना जहां हो रही है उसका क्षेत्र मात्र तू है लड़ाका नहीं है इतना समझ क्या बोला वो संसार बढ़ रहा देखो संसार तो है संसार नहीं होता ऐसा तो नहीं कह सकते क्योंकि निरंतर राग देश दुख का वेदन जो कर रहे हैं ये कहाँ है अगर ये नहीं माने तो निश्चय भास हो जाए फिर तो सिद्धत्व ही हो जाए तो ये तो है तो ये हो कहाँ रहा है वह इसका कोई क्षेत्र तो चाहिए ना ये क्षेत्र है इसके अलावा रसद कौन पहुंचाता है कर्म टैंक कौन पहुंचाता है कर्म लड़ता कौन है कर्म लड़ाता कौन है कर्म मैं वहां पे कहीं होता
मैं मतलब कौन, मेरी पर्याय नहीं कह रहे वहां पे, पर्याय तो इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन मैं जब कह रहा हूं तो सनातन त्रिकाली ध्रुव द्रव्य ध्रुव तत्व परम पारिणामिक भाव जो कभी भी किसी भी रूप में अन्य रूप होता नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं यार? आज तो महाभारत देखी भी नहीं थी, सुना भी नहीं था, तो भी योग्यता अपने आप विचार आते। समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं था बाहरी कारण कि भाई याद आवे, लेकिन तो भी याद आ गया। अब क्या करें, आ गया तो आ गया। समझ में आया? लेकिन ऐसी आध्यात्मिक महाभारत भी अद्भुत होती है, बराबर। वो अगर आप समझ लो तो कितनी निर्भरता है, कितनी निर्भरता है ना। जो फरीद तेती तेने जे आत्मा, ये पुद्गल परिणाम ने आत्मा पुद्गल परिणाम ने अने आत्मा ने घट अने कुमारनी जेम, जो सुशब्द लख्यो घट अने कुमारनी जेम व्याप्य व्यापक भाव नो सद्भाव के अभाव अभाव माटी अने कुमार सॉरी माटी अने घड़ा वच्चे वात आवे तो कहवाय शू व्याप्य व्यापक पणानो सद्भाव। क्या शू कीधु सम्यक? अचेलो छेलो नहीं कहवा, जोर से बोलो जय माता दी, आखो कहवा शू कीधु? छेलो छेलो बोले तो हवे तो ये छेलो बोले तो तमे तो आखो बोलशो ने। माटी अने घड़ामां शू छे? व्याप्य व्यापक पणानो सद्भाव के अभाव सद्भाव। અને ઘણા અને કુમાર વચ્ચે શું છે? વ્યાપી વ્યાપક પણાનો સદભાવ કે અભાવ? હવે દ્રષ્ટા, હવે સિદ્ધાંત, આત્મા અને કર્મ વચ્ચે શું છે? વ્યાપી વ્યાપક પણાનો સદભાવ કે અભાવ? અને આત્મા અને જ્ઞાન વચ્ચે શું છે? વ્યાપી વ્યાપક પણાનો સદભાવ કે અભાવ? આપ આખો કરજો, નહીં તો ખોવાઈ જશો, મને ખબર છે। આ શોર્ટ ટર્મ તો યાદ આવે, તાલ સે તાલ મિલા, ઓર હિન્દી મેં મુહાવરા થા ગાલ સે ગાલ બજા, ગાલ બજાના મતલબ હોય ને ખાલી ખાલી સમજે બિના બોલતે જાના, વો કહેતા ગાલ બજાના, બરાબર। તો અભી તો ઇસ માહોલ મેં આ જાયેગા, લેકિન વો ગડબડી બહાર જાકે હો, ઓર ઉસસે ભી જ્યાદા ગડબડી હોગી શ્રદ્ધા મેં, ક્યોંકિ યહાં કિતના ભી પઢાઉંગા ના અંદર મેં કોઈ થાય તો મારા માના, થાય તો મારા માના, મારા તો છે જ। અરે પ્રભુ તારો નથી, તારો માની માનીને આખો સંસાર ઉભો કર્યો છે। ભેદ જ્ઞાન ગજબ હે, સારા જગત ઘર મકાન સે કહેતે દુનિયાદારી સે ભેદ જ્ઞાન કરને કા બોલતા હે, કુછ હોતે હૈ જો દુકાનદારી સે ભેદ જ્ઞાન કરને કા બોલતે, કુછ બોલતે શરીર સે ભેદ જ્ઞાન કરને કા। ઓહો, યહાં આકે તો સબકા ભેદ જ્ઞાન ખતમ હો જાતા હૈ। जैन धर्म कह रहा है कि अरे ये तो थी, ये तो भिन्न थे और भिन्न कहे, इसमें क्या बड़ी बात थी? अरे रे रे, गजब है कि जो मेरा नहीं था लेकिन मेरे साथ था उसको भी तो भिन्न कर, भिन्न को भिन्न करके क्या बड़ी सेठाई कह रहा है, है? पत्थर होता ना, पत्थर जितना ऊपर ऊपर का काम है ना उतना अकुशलता वाला काम है। मूर्ति बनाना हो ना तो पत्थर को जितना ऊपरी ऊपरी एंगल से आपको करना हो तो बड़ी अकुशल, एक बड़ा लो पत्थर बिना देखे उसको मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, एक एक बिल्कुल मजदूर भी कर देगा, हथौड़ी भी बड़ी होती है उसकी, मशीनें भी यूज होती, लेकिन जैसे जैसे उसमें प्रतिमा बनती जाती है वैसे वैसे मास्टर का काम आता जाता है, हथौड़ी छोटी होती जाती है, ध्यान बढ़ता जाता है। ए पहले जोर से हथौड़ी मारते तो कुछ नहीं होता, लेकिन अब अगर जरा सी हथौड़ी तेज लग गई तो नाक टूट जाएगी, वो पूरी प्रतिमा कैसी हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा आप सूक्ष्मता में उतरते जाओगे ज्ञान उतना पैना होता है। कभी सुनार के उपकरण देखें और लोहार के उपकरण देखें, लोहार के पास भी हथौड़ी होती है, सुनार के पास भी हथौड़ी होती है,
लोहार के पास भी तराजू होता है, सुनार के पास भी तराजू होता है, लोहार के पास भी छेनी होती है, सुनार के पास भी छेनी होती है, कितना अंतर होता है? बस यही अंतर है। ये जो रागारी से वेद ज्ञान है ना, ये कौड़ी का व्यापार नहीं है, करोड़ों का व्यापार है। ये बाकी का तो गली गली नुक्कड़ सब करवा रहे। विनोद भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? शरीर मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये तो हर जगह बोल रहे हैं, कौड़ी का व्यापार, इसमें कम ज्यादा चलेगा। सब्जी लेने जाओ ना, बहुत ज्यादा माथा कूट करो दुकान वाले से, ले जाओ बेन एक टमाटर वधारे मारो मुझे, तमे मोटा थई जाओ, अकड़ाई ने पण आपी दे छे, अकड़ा से थोड़ू अकड़ा से अकड़ाई छे ने के अकड़ाई छे, एक टमाटर नी पाछळ तमे ने अकड़ामन मां कारण बनो छो, एक लींबू ने लीधे तमे ने अकड़ामन मां कारण बनो छो, ध्यान राखजो। आ समझा कि नहीं समझा? अकड़ाई ने पण शू करशे, आपी दे छे, पण सुनार पासे अकड़ाओ। विनोद भाई हवे शू आटलू बधुं लीधुं छे, 10 ગ્રામ તો લીધું છે ના, 0.10 તો વધારે કર ના થાય બેન, ના થાય આ શાક, પછી બીજું શું કે ઠપકો આપશે, આ શાકભાજી નથી, આ બંગારનું નથી, એ નમતું આપી દઈએ ને વધારે આપી દઈએ ને ઓછો આપી દઈએ, ના હોય લાગે નહીં સમજ્યા? એટલું અપ્રોપ્રિયેટ એટલે આ જે બહારનું કામ છે ને, પૈસાથી ભેદ જ્ઞાન કરવું, શરીર મકાન આદિથી ભેદ જ્ઞાન કરવું, આ બધાની જગ્યા આવે, પણ આ જે રાગાદી ભાવ ને ગુણવેદ વાળી વાત છે ને ભાઈ, આ કોણીની વાત નથી, આ કરોડોની વાત છે। એટલે બહુ જ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ રાખીને એની સાથે ભિન્નતા મહેસૂસ કરવી પડે તો તમને એનાથી જુદો જ્ઞાયક ભાવ દેખાશે, અને આજે દેખાશે તો કાલે મળશે। આજ ક્યાં હો રહા હૈ પતા હૈ, હમ લોગ બહાર કી સબ કર દેતે હૈ, બરાબર, ધર્મ કી ચીજે ભી કર દેતે હૈ, સબ કોઈ પૂજા કર રહા, કોઈ સ્વાધ્યાય કર રહા, ધીરે ધીરે ઉત્સાહ ઠંડા હો જાતા હૈ, ક્યું? ક્યોંકિ ઇસસે ભિન્ન જ્ઞાયક પ્રભુ નહીં દિખતા ના, જ્ઞાયક પ્રભુ દિખાઈ દે તો ઉત્સાહ બના રહે, फिर वो राग और राग तो अपने आप राग का रस तोड़ने वाले ही। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिसे शुभ राग का रस लगा और शुभ राग के रस से वो मोक्ष मार्ग में आया, लंबा नहीं चल पाएगा। मन में आया क्या बोला? शुभ राग के रस से जो मोक्ष मार्ग में आया वो लंबा नहीं चल पाएगा। कदाचित स्पीड ज्यादा दिख रही हो, ज्यादा फड़फड़ाता हुआ दिख रहा है, लेकिन सत्व नहीं। हम लोग जब सेकंड क्लास में थे ना, सब कदाचित यहाँ पर क्लास है, क्या कहते हैं, कहानी है कि नहीं है, हमारे सिलेबस में थी, सेकंड के थर्ड की हिंदी में थी, लंगड़े कौए की कहानी। लंगड़ा कौआ था और हंस आए उसके गांव में और बातों बातों में वो डींग मारना चालू हुआ उसकी, कि तुम्हें क्या आता है ना, तुम्हें क्या आता है ना, तुम्हें क्या आता है। हंस बोले, भाई हमें तो कुछ ना है, कुछ नहीं आता, हम तो बस साइबेरिया से चले आ रहे हैं यहाँ तक आने के लिए, क्या कहाँ अपनी जगह नल सरोवर तक, हमें और कुछ नहीं आता। अरे अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे तो 80 प्रकार की उड़ानें आती हैं। कौन बोलता है? लंगड़ा कौआ। 80 प्रकार की उड़ान, ऐसी प्रकार नहीं हमने शू उड़ान आवे, पछी बधू पराक्रम करे। हंस के, भाई हमने तो कहीं आवड़तू नहीं, हमने सीधो सीधो आवे छे। वन्य बच्चे कॉम्पिटिशन थी, इन्हें लागे ना कि मारो पलड़ो की वो छे भारी, बराबर ना ना, अबे तो तमे आव्या छो, तमने युद्ध। हंस के, भाई हमने नहीं करवू कहीं कॉम्पिटिशन, बराबर, हमें तो हमारी शांति लक्ष्य में जई रहा छे, साइबेरिया थी आव्या छे, ने नल सरोवर सुधी जवानू छे, मारो अटलू टार्गेट छे। अरे ना ना, तमने हवे आव्या छो तो तमे बीवो छो ने आम छे, जाते शू करी दीधुं एने बधुं, कॉम्पिटिशन गोठवी दीधुं। કેમ? કેમ કે હું 80 પ્રકારની ઉડાનો વાલો અને તને તો કંઈ આવડતું, બરાબર,
હવે ઉડવાનો શરૂ થયો. શરૂઆતમાં કોણ વધારે દેખાય? કાગડો. કેમ કે એ તો એમાં હતો ને, મને તો આટલું આવડે, મને તો આટલું આવડે, આમ વધારે ફળફળાય ફળફળાય અને પોતાની સ્પીડથી ચાલે. કેમ કે એ પોતાની જાતને કાગડો સમજતો નહોતો ને. હવે થોડી વાર પછી કાગડાનો કેટલો સત્તો, થોડી વાર પડી પછી આમ જ લંગડો તો પડવા લાગ્યો. તો પછી એ હંસે એને સપોર્ટ કર્યું, ભાઈ અમે કોઈ કોમ્પિટિશન કરવું નથી, પણ તું પડે નહીં એટલા માટે મારો અવલંબન લઈ લે. દ્રષ્ટાંત પૂરો થઈ ગયો. હવે એમાં સિદ્ધાંત ઘટિત કરો. આજે સુભરાગ થી જે લાંબી લાંબી ફેંકે છે એ લાંગડા લંગડા કોવા જેવા છે. મને તો 80 પ્રકારની ધર્મ આવડે છે. કેટલા પ્રકારનો? 80 તો કહેવાનું, પણ એ સુભરાગ કો જો ધર્મ માને ઉનકે પાસ તો ઇસસે જ્યાદા ઓપ્શન હૈ. કોણ સે ઓપ્શન? પૂજા ભી આતી હૈ, વિધાન ભી આતા હૈ, સ્વાધ્યાય ભી આતી હૈ, તીર્થયાત્રા ભી આતી હૈ, જપ ભી આતી હૈ, દાન ભી આતા હૈ, યે ભી આતા હૈ, વો ભી આતા હૈ, સબ આતા હૈ. ઓર બહોત મે ઇતના બડા ઇતના બડા ઇતના બડા ઓર શુદ્ધ પરણતી હંસ કી ભાંતિ હો. વો કહે ભાઈ મુજે કુછ નહીં આતા, મુજે તો ઇતની સી બાત હૈ કે હમ કહાં સે ચલે હૈ, સાઇબેરિયા કે ગહેન બિરાને સે ચલે હૈ ઓર સંતોષ કે લિયે યહાં પે આ. ભાઈ એસે શુદ્ધ પરિણતિ કે દેખો, હમ તો અસ્થિરતા સે નિકલે થે ઓર અનંત કાલ સ્થિરતા કે લિયે હમે જાના હૈ. બરાબર હમારા ઓર હમે જ્યાદા કુછ આતા નહીં, સીધી રેખા મેં હમે ચલના આતા હૈ. તુમ 80 પ્રકાર સે ઓડો ચાહે 8000 પ્રકાર સે ઓડો, તો ભી સુભરાગ વાલે જો ધર્મી હોતે ના, ઉને યે લગતા કે હમ બહોત ધર્મ કર રહે ઓર યે તો કુછ નહીં કર રહે. જબકિ વો જિનકી શુદ્ધતા પર દ્રષ્ટિ હોતી હૈ વો ધીરે ધીરે કહાં જા રહે, અપને લક્ષ્ય કી તરફ. અઘોષિત પ્રતિયોગિતા ભી હો જાતી. અબ ઉડે સો સત્વ કહાં સે લાયે, કલાકારી તો લે આયા. પોઈન્ટ સમજ મે આયા નહીં આયા? ક્યા બોલા? સત્વ કહાં સે લાયે, કલાકારી તો લે આયા. બસ યે કહે રહા હૈ જ્ઞાની, યે સબ સુભરાગ કી કલાકારી હૈ તો તુમ લેકર આયે, લેકિન મોક્ષ મે માર્ગ મે બઢને કા સત્વ કહાં સે લાઓ. ઇસલિયે થોડા ચડતા હૈ, ફેફસે મે થોડી હવા હોતી હૈ વો સબ નિકલ જાતી હૈ, ફિર દમ ફૂલને લગતા હૈ તો ગિરને લગતા હૈ. અબ વો ધવલ નિર્મલ શુદ્ધ પરિણતિ આતી હૈ ભાઈ. વો કહેતી દેખ તેરે મે સત્વ નહીં હૈ મુજે પતા હૈ, લેકિન તું મેરે ઉપર બેઠ જા. ક્યા કર? મેરે ઉપર બેઠ જા તો તું વહાં તક નજદીક તક પહોંચ જાયેગી. યહી મુનિરાજ કા કામ. અગર આત્મા કા બલ નહીં હોવે તો મુનિરાજ કી શુભોપયોગ પરિણતિ શુભોપયોગમય રહે હી નહીં, ગેરંટી. કોઈ આદમી જિસે આત્મા કે અનુભવ કી પ્રતીતિ ના હો વો ઇતના ઉત્કૃષ્ટ આચરણ કરકે પ્રસન્ન નહીં રહે સકતા, ગેરંટી બોલ રહા હું લિખ કર. ફિર સે બહુ ધ્યાન સે બોલ, બહુ ગહેરી. ઇતના કઠોર આચરણ, ઇતના કઠિન આચરણ, અગર આત્મા કા બલ ના હો તો લિખ કર દે રહા હું કે વો વ્યક્તિ નિશ્ચિત રૂપ સે દુખી હૈ, પ્રસન્ન નહીં. ઓર મેરા અનુભવ હૈ ઇસમે, મુજે કોઈ ઇસમે સંશય ભી નહીં. વો વો કિસ લિયે કર રહા હૈ વો ખુદ સમજ લે. વચનામૃત મે તો આતા હી હૈ, રુંધાયે લો શું છે કશાય. ક્યું કર રહા હૈ? મુજે બડી ગહેરાઈ સે અનુભવ હૈ ઇન ચીજો કા, ઇસલિયે મે આપકો મતલબ મે તો ઉસી ક્ષેત્ર મે રહા હું ના, પરિવાર સે ભી હૈ મેરે તો સબ, મુજે બહોત અચ્છે સે પતા હૈ. ये आचरण अगर आत्मा के वेदन के साथ में हो तो ही आनंद का जनक है, नहीं तो हवा निकल जाएगी. फिर क्यों कर रहे हो यही पता नहीं चलेगा.
समझ में आया कि नहीं? वो हंस मुनिराज की शुद्धता निर्मल है तो शुभत्व भी निर्मल है। क्यों? क्योंकि उस शुभत्व के लिए अवलंबन कौन है? हम लोगों को उत्साह ठंडा क्यों हो जाता है? शुभ राग की क्रिया करते हैं हम भी कोई ये मत समझना कि पूजा पाठ ही शुभ राग की क्रिया है। स्वाध्याय भी शुभ राग की ही क्रिया है। ठंडे क्यों पड़ जाते? पहले दौड़ दौड़ के आने का मन होता, फिर ठीक है चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। 74 बीघा था कल, चल रही थी 74 बीघा था, आज चल रही है। कल जो चल रहा था वो आज चल रहा है? जिनको समझ में नहीं आता, अज्ञानता में उन्हें लगता है सब समान है, सब समान है, सब समान। ये क्यों थकान होती है? क्योंकि राग आदि से भिन्न चैतन्य की प्रभुता नहीं दिखती। चैतन्य की प्रभुता दिखे तो राग आदि का बल खत्म हो जाए। अपने आप उत्साह आए, निखरता हुआ दिखे तो आए। पहले नंबर ये कह रहा हूं, अभी तो अपने को इससे भिन्न चैतन्य प्रभु दिखता ही नहीं। स्वाध्याय कर लिया, किसने किया? पूजा कर ली, विधान कर लिया, किसने की? अरे तू नहीं था वो, तू तो जान रहा था। मैंने किया ना पंडित जी, बहुत बढ़िया प्रवचन करते हो, बहुत। किसने किया? मैंने किया। ओ हो, प्रभु तू करने गया तो ज्ञाता नहीं रहा, और ज्ञाता रहा तो करता। दो में से कोई एक चीज ले ले, या तो करता बन के बंध जा या ज्ञाता बन के तर जा। कौन बंधे? क्यों बंधे? पागल है क्या? अरे प्रभु हूँ करूँ। ओ ये तो हूँ मर्यो एम हूँ करूँ छू उनका फरमा ना, हूँ करूँ छू आ भाव माँ। ओ हूँ मरूँ छू आवी प्रतीति थवी। जेम तुम्हारा कहीं वेंटिलेटर ऊपर जाओ कि मोटो रोग होए, कैंसर होए, तो पल पल आवे ना हूँ मरूँ छू आ रोग बधी रहो एम करतापणू वधे ना, तो आवे हूँ क्या मरूँ। कौन करवा जाए अने करीने कौन जीवित साजो रहे छे? बधे छे कर्तृत्व नो बोझ माथे ऊपर लईने मरी जाओ के करते तूने काढ़ी ने तरी जाओ, चॉइस आपनी छे। ऊंडी बात छे एम कहे छे मारो एनी जोड़े व्याप्य व्यापक पणू छे ज नहीं, एकदम भिन्नता। आज ए थाय छे ए हूं नथी, हूं एनो जाणनार मात्र छू। आ મારા ક્ષેત્રમાં થઈ રહ્યો છે પણ એ ક્ષેત્ર, ઓહો હું તો મારા અનંત ગુણોના ક્ષેત્રમાં છું, પરમાં છું જ નહીં એમ વિચાર જ નહીં કરવાનો। ક્યાં આ વસ્તુ ખબર પડે લોકોને? સારા જગત પાગલની ભાંતિ આમ કહેવા જઈએ ને, ધન પૈસા ભોગ વિલાસ શરીર માન યશ એ બધા પાછળ ફરી રહ્યો છે, પ્રભુ તારા અંદરમાં આવતા નથી। હા જો શું કહે છે, બહુ ગજબ છે। પરમાર્થી કરતો નથી પરંતુ શું કરે? ઉદગલ પરિણામના જ્ઞાનને, એટલે આત્માના કર્મ કરે કર્મપણે કરતા એવા પોતાના આત્માને જાણે છે। આવ્યો ના, કોણ કરે, ક્યો કરે, કેસે કરે? હું તો જાણનારો માત્ર છું, તે આત્મા કેવો જાણે? તો જે એવો ભિન્ન જાણે એ આત્મા કર્મ નો કર્મથી અત્યંત કેવો થયો? અત્યંત ભિન્ન, એટલે ક્ષેત્રપણાનો રાગ પણ રાખ્યો અત્યંત ભિન્ન જ્ઞાન સ્વરૂપ થયો, થકો કેવો છે?
ज्ञानीज, ये ज्ञानी ही है, वो ज्ञानी ही है, और वो ज्ञानी, ज्ञानी है मतलब अज्ञानी, अज्ञानी है मतलब अज्ञानी नहीं मतलब बनता नहीं, इतना समझ।